मनमोहन है बांका तेरा जमाल रे बगदादी सैया। मनमोहन है बांका तेरा जमाल रे बगदादी सैया। मुझे सदके में अपने, मुझे सदके में अपने उतार डाल रे बगदादी सैया। मनमोहन है बांका सब ओली सब ओलियन में या गौसे आजम सब ओलियन में तू चंद मोगन मेरा तू चंद मोगन। तेरे नबियों के जैसी, तेरे नबियों के जैसी है चाल डाल रे बगदाद सैया। मनमोहन है बांका तेरा जमाल रे बगदादी सैया। मुझे सदके में अपने, मुझे सदके में अपने उतार डाल रे बगदादी सैया। मनमोहन है बांका जी में है मुख तेरा देखूं हमेशा, जी में है मुख तेरा या गौसे आला। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إصباح محمد أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ये रब करीम का बेइंतहा फजल व एहसान अजीम है कि उसने आज आप और हम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, आपके खलीफा की विलादत का जश्न और सरकार गरीब नवाज का जश्न और औलिया कराम के एराज के मौके पर जश्न में शरीक फरमाया। हमारे पास में ये तरीका है, तरीका रहा है कि औलिया कराम के यौमुल विसाल के मौके पर जो महाफिल होती है इस मौके पर जश्न मनाया जाता है, इसलिए वो इस बात पर दलालत करती है कि वो जो औलिया कराम जिन्होंने इस दुनिया पानी में ज़िंदगी गुजारी, वो इस दुनिया में जब तक रहे हरदम अल्लाह अल्लाह करते रहे और अल्लाह अल्लाह करके लोगों को अल्लाह से मिलाते रहे, बंदों को रब से जोड़ते रहे और खिदमत खल्क करते रहे, इसी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और खिदमत खल्क के बाद जब वो इस दुनिया से गुजरे तो उनकी याद मनाने के लिए उनके वाबस्तगान और सभी उनके यौमुल विसाल के मौके पर जमा होते हैं और याद करते हैं और उस दिन जश्न मनाते हैं, इसलिए कि जो भी वली होते हैं उस दुनिया से जब भी जाते हैं तो वो दिन उनके लिए इंतहाई अहमियत का रहता है, क्योंकि वो रब तबारक व तआला से मुलाकात का दिन होता है, अल्लाह से विसाल का दिन होता है। तो अल्लाह से विसाल का दिन उनकी जिंदगी का सबसे आला तरीन दिन होता है, इसीलिए वो रब तबारक व तआला की विसाल की खुशी होती है, यही खुशी आप और हम मनाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया कराम ने जो मिशन अपनी जिंदगी में जारी रखा
वो मिशन उनके मानने वालों ने उसके बाद जारी व सारी रखा, उसी की बहार आज भी हम देख रहे हैं। औलिया करार उस सिलसिले ज़हब से मरबूत है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मरबूत है। रब तबारक व तआला ने दुनिया के हर खित्ते में अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम का मबूस फरमाया। जब नबियों का सिलसिला मौकूफ हो गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन पर नबुवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुलफाए किराम बिलखुसूस सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए वो सिलसिला फैजान जारी हुआ। आज हम दुनिया भर में देखते हैं, चारों तरफ दुनिया में अगर हम नजरें घुमाते हैं तो वो फैजान का सिलसिला हम देख रहे हैं। उसी फैजान के सिलसिले के तहत आओ और हम यहाँ जमा हैं। औलिया किराम ने अपनी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी खिदमत खल्क में गुजारी। वो ये समझते थे कि अल खल्क अयालुल्लाह जो कहा गया कि तमाम खल्क जो है वो अल्लाह का कुंबा है, तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के कुंबे की खिदमत में गुजारी। यही वजह है कि जब वो इस दुनिया से गुजरे तो आज हम देखते हैं कि औलिया इकराम की बारगाहों में लोग जमा होते हैं तो इनमें खुश अकीदा ही नहीं, सुन्नी ही नहीं, सूफी ही नहीं, बल्कि औलिया को न मानने वाले भी वहां बारगाह में आते हैं, बल्कि जो ईमान नहीं रखते वो लोग भी उन बारगाहों में आते हैं, जो अकीदा और ईमान अल्लाह पर भी नहीं रखते वो भी उन बारगाहों में आते हैं। इसलिए कि उन्हें उन औलिया किराम की बारगाहों में वो चैन और सुकून मिलता है जो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसलिए कि वो औलिया किराम ने अपनी सारी जिंदगी खल्क की खिदमत में गुजारी और खिदमत करते करते उस दुनिया से चले गए। उनकी जिंदगियां ऐसी थी पाक कि उन जिंदगियों को अगर हम आप हम देखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगियां भी कामयाब हो जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया किराम ने हमेशा सिखाया कि रब तबारक व तआला की रजा हासिल की जाए, सिर्फ और सिर्फ उसकी जात पर खिनात की जाए और जो परेशान हाल हैं उन्हें रब तबारक व तआला की बारगाह से जोड़ा जाए। इसी सिलसिले को उन्होंने जारी रखा और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जब इस दुनिया से गए तो उनके जाने के बाद भी उनके मानने वाले उन्हें उनके यौमुल विसाल के मौके पर याद करते रहते हैं और उनका जिक्र मनाते हैं और जिक्र मना के अपने दर्जात में बुलंदी का सामान करते हैं। हदीस पाक में है कि जिक्र सालेहीन कफारत ज़ुनूब, के सालेहीन का जिक्र जो है वो गुनाहों का कफारा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक में इरशाद हुआ है कि सालेहीन का जिक्र गुनाहों का कफारा है, तो आप और हम आज हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो ये मजलिस खाली और रायगा जाने वाली नहीं है बल्कि हमारे गुनाहों का कफारा में शामिल हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, उस सिलसिलतु ज़हर वो जो कड़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से चलती हुई यहाँ तक आ रही है, उस सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए औलिया किराम ने जो खिदमत अंजाम दी उन्हें सुनने सुनाने के लिए और उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, उस सिलसिले खिलाफत को आगे बढ़ाने के लिए भी आज एक सिलसिले तकरीब मुनक़िद हुई है। सुभान अल्लाह, काबिले मुबारकबाद है हजरत मौलाना सैयद वली बादशाह सानी खादरी अल जीलानी अलमारूफ हाशिम पाशा साहब सज्जादा नशीन, जिन्होंने इस अजीम शान महफिल का एहतमाम किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशायख हजरात की कहकशा है, हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है जो यहाँ तशरीफ रखते हैं और मुख्तलिफ सलासिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज सिलसिले हाशमिया की जो कड़ी आगे बढ़ने वाली है उस सिलसिले में खिलाफत की तकरीब भी मुनक़िद होगी और हाशिम पाशा साहब अपने खास मरीदैन को खिलाफत तरीक़त से नवाजेंगे।
ताकि जो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है वो सिलसिला आगे बढ़ता रहे और औलिया कराम का फैजान यहाँ से जारी हो सारी हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये जो खिलाफत है ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा। हर इंसान इस दुनिया में रब तबारक व तआला का खलीफा है। तो फिर ये सवाल होगा कि फिर आज जो खिलाफत क्या हो रही है, ये किस बात की दलालत करती है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज करूं कि खिलाफत इंसान को जो दी गई उस खिलाफत को याद दिलाने के लिए ये रस्म मुनक़िद की गई है। वो जो मकाम और मर्तबा रब तबारक व तआला ने इंसान को अता किया है वो हर इंसान अपने मकाम और मर्तबे से नाआशना है, वाकिफ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वो अपने खुदी को पहचाने, अपने आप से वाकिफ हो कि रब तबारक व तआला ने उसे दुनिया में भेजा तो उसका काम क्या है और उसे करना क्या है। जब वो अपने मकाम और मर्तबे को पहचान लेगा तो फिर वो सही मानों में खिदमत कर सकेगा, जिस काम के लिए उसे भेजा गया है वो काम कर सकेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसे समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम किसी ना किसी सिलसिले तरीकत में दाखिल हों, किसी ना किसी बुजुर्ग के दामने करम से वाबस्ता हों। जब हम इस निस्बत से मालामाल होंगे तभी हम पर अनवार की बरसात होगी, फ्यूज़ो करम जारी होगा और उसके बाद ही हम उस फ्यूज़ो करम को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। काबिल मुबारकबाद है हजरत हाशिम पाशा साहब क़िबला के, जिन्होंने आज इस बेहतरीन महफिल का इनेकाद किया है। और रब तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि मौला तआला इसमें मजीद बरकत अता फरमा, उनके उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमा और उनके सिलसिले के फैजान को मजीद जारी व सारी फरमा। मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब क़िबला से कि वो खिताब फरमा। الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين काबिले सद एहतराम सादात किराम उलमाए किराम मशायख इजाम जमी अहले सिलसिला हाजीन किराम, अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानहु का एहसान है कि उसने हमें हुजूर सरापा नूर खत्मी मर्तबत आकाए नामदार फख्र मौजूदात सरकार दो आलम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा रसूल खुदा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और हमें इसका फख्र अता फरमाया और आज हमें नहायत ही नूरानी मुबारक और मुकद्दस फ़ुयूदो बरकात से ममलू जहाँ रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, जहाँ आपका बैठना इबादत से कम नहीं और आपका तशरीफ लाना अपने गुनाहों का कफ़ारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंबियाए किराम का जिक्र इबादत, तौलियाए किराम का जिक्र गुनाहों का कफारा। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अंबिया भी हो रहा है और जिक्र औलिया भी हो रहा है।
इबादत भी हो रही है, गुनाहों का कफारा भी हो रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम के कालबुद खाकी को बनाया गया और फिर इन्फाक रूह हुआ, आपकी आंख खुली, अर्श की चौखट पर जो आपकी नजर पड़ी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहली बार पढ़ने वाले, उस तोहरे का मुशाहिदा करने वाले हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। वो कलीमे का फैजान उन्होंने हासिल किया, तमाम अंबियाए किराम ने इस कलीमे को पढ़ा। जब नबी खातम रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए, रब तबारक तआला ने उनके साथ कुरान मजीद अता फरमाई, जो सारी दुनिया में कियामत तक के लिए रहबर रहनुमा, दीन और दुनिया की सारे मसाइल को उसके अंदर रखा और इरशाद उसमें ये फरमाया, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, के लोगों जो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलीमा पढ़ा था, सारे अंबिया ने जो कलीमा पढ़ा था, सारे अंबिया ने इंसानियत को जिस कलीमे की दावत दी थी, जिस कलीमे की तालीम दी थी, ऐ लोगों, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यकीनन इरशादे नबवी के मुताबिक वो जन्नती जरूर है, मगर रब्बे कायनात का इरशाद हो रहा है, पढ़ रहे हो जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, पालम जरा कलीमे पाक को समझ भी लो, उसका इल्म भी हासिल कर लो, तो फिर उसकी नेमतें तुम पाने वाले हो। ये खानखा है उसी कलीमे पाक को समझाने के लिए, उसी कलीमे पाक की तालीम देने के लिए, उसी कलीमे पाक की हकीकत को आश्कारा करने के लिए हुआ करती है। मदरसे में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और खानखा में ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ रहा है। बुजुर्गान दीन औलियाए किराम फरमा रहे हैं कि कलीमे की बुनियाद में सबसे पहले कलीमा गो, कलीमा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, लेकिन कैसा पढ़े? उसके बाद फरमाया कलीमा भी और कलीमे को तू देख, उसमें क्या चीज है, कलीमा कह रहा है तो देखने की सलाहियत पैदा कर, चार मीनार जबान से कहता है तो चार मीनार तेरे सामने है, मंदिर उसको दिख रही है, शिफा खाना दिख रहा है, मक्का मस्जिद दिख रही है, चारों जो है गुलजार हाउस के तमाम नक्शे तेरे जहन में आ गए हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है क्या हुआ? तो फरमाया जा रहा है तरीक़े की बुनियाद में कि कलीमा बी, कलीमा देखने वाला बन जा, फिर उसके बाद में जब वो कलीमे की हकीकत को मुशाहिदा करने लगता है तो बताया जाता है कि कलीमा बी के बाद कलीमा कलीमा दा, माफ करना तरीक़त में नंबर दो तरी कलीमा गो के बाद कलीमा दा, कलीमा को जानने वाला, फिर फरमाया तरीक़त में दा तो उसके बाद हकीकत में भी जब देखने वाला बन गया तो फिर फरमाया जा रहा है कलीमा शाओ, कलीमा हो जाहिर और बातिन मौला तबारक व तआला के तजल्लियात का मुशाहदा करने लग जा। यही औलियाए किराम ने अपनी जिंदगियों को जो है गुजारा, कोई 40 साल तक जंगलों में फिर रहे हैं, कोई 25 साल तक फिर रहे हैं, खाने के लिए कुछ
अगर कोई मुझसे पूछे कि इस्लाम का छठा रुकन क्या है तो मैं कहूंगा कि रोटी, खाना, यहाँ खाना वहां खाना, हराम खाना हलाल खाना, लोगों को लूट कर खाना, गिर पड़ कर खाना, अल्लाह अकबर, ये तमाम खाने में मस्त हो चुके हैं। लेकिन ये खानका है, अब भी अल्लाह तबारक तआला ने उसको गनीमत जाना। आज की इस महफिल में जहाँ अल्लाह से मुबारक है वो कलीमे तैयबा के फैजान को जो बुजुर्गान दीन से लिया है, जो अपने मुरीदीन को कलीमे की हकीकत से आशना किया है, तो वो जो खिलाफत हजरत सैयदना आदम अलैहि सलातु व तस्लीम को खिलाफत अर्जी हासिल हुई थी, उसका फैजान जारी वो सारी खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौलाए कायनात सैयदना अली कलम अल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला हजरत उस्मान गनी हजरत अली, चारों खुलफाए किराम से सिलसिला फैजान जारी होता हुआ हुजूर सैयदना पहुंच रहा है। चारों का फैजान है, अली जाने गिरानी तो ये फैजान हुजूर से पाक रजी अल्लाह तआला से फिर जो है जारी हुजूर सैयदना गौसुना गौसुल कुल पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुल्तानुल औलिया है, कयामत तक के तमाम औलिया किराम के सरदार है। मौलाना ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस नवरल्लाह मरकज़ फरमाया करते थे कि आज भी रोजाना गारे गिरा में इज्तिमा होता है तमाम औलिया किराम का, जिसकी सदारत हुजूर गौसुल सखलैन फरमाते हैं। अली लाने गिरानी ये शान हुजूर गौसुल सखलैन रजी अल्लाह तआला ने किया है। तो जब कब होती है खिलाफत, मेवा पक के गिरता है खाक पर, खाम है गच्चे वो है फलाक पर, जब वो पक गया इंतहा दर्जे की उसमें आजिजी इनके सारी आ गई, तो अब ये खिलाफत के लिए तैयार हो जाता है। अब होने वाले खुलफा थे, मेरी यही गिला गुजारिश है कि खिलाफ मत होइए, अल्लाह के रसूल के दुनिया के खिलाफ हो जाओ, दीन के खिलाफ मत हो, दीनदारी के खिलाफ मत हो, किताबुल्लाह के खिलाफ मत हो, रसूलुल्लाह के सुन्नतों के खिलाफ मत हो। ये तमाम खिलाफत के अंदर है। और खलीफा होते ही चूंकि शेख बन जाता है, अब चूंकि मैं खलीफा हूँ इरफानुल्लाह शाह, जलते में हयात मेरी खिताब होना जरूरी है। मैं जनाजे में जाऊं तो नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा खुतबा मैं दूंगा, जाना मैं इजलास में सब मेरे लिए खड़े हो जाना, मैं बीच में बैठूंगा, बाजू मेरे लिए जगह नहीं। ये नहीं है इज्जत, इनके सारी ये तरीकत की बुनियाद है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो दीदाने गिराने ये खोखलापन है, ये तरीकत नहीं है, ये दुनियादारी है। अल्लाह तबारक ताला जल्ल शानहु ने अपने फजल करम से जो हमको निजवते औलिया इकराम की बुजुर्गान दीन की अता फरमाई है, वो एक नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम है जाहिरी और बातिनी, उस पर अमल करने का अज़्म समीम करते हुए बुजुर्गान दीन के फ़ुयूज़ व बरकात हासिल करते हुए औलिया किराम आज हमारी महफिल में शहजादे गौसे आज़म हज़रत मौलाना सैयद महमूद पाशा कादरी ज़रीन कुला मुतज़िल्लुल आली आज की इस महफिल के सरपरस्ते आला हैं, जलवा फरोर हो चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानहू इनकी उम्र और इकबाल में सेहत आफियत के साथ दराजी अता फरमा, और तमाम हमारे इन बुजुर्गों जिस महफिल में आज आप
पर हम बैठे हैं, यह सब औलियाए किराम, सादात किराम, शियूख हैं, जो इनका देखना हमारे लिए इबादत से कम नहीं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सज्जादा नशीन मोहतरम हजरत वली पाशा हाशम बाबा दामद बरकातुल आलिया, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत के साथ इस कारवां को नेतृत्व दे। आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रल्लाह, इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये फैजान हाशमिया हमेशा हमेशा के लिए ताकिया में कियामत जारी और सारी रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हुज़ूर पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने तमाम सहाबे किराम के जरिए से ये फैजान तशरीफ ले तशरीफ ले सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, हुजूर सरापा नूर ने जो पयाम अपनी उम्मत को दिया वो ताखिया में क़यामत सारी इंसानियत के लिए रहबर करता रहेगा। हजरत सज्जादा नशीन मद्दिल लाली भी तशरीफ ला चुके हैं, यकीनन ये हमारी ये फ़ुज़ूल और बरकात से ममलू महफिल अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात आज फ़ैज़ो बरकात की दस्तार पहन रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये फैजान हाशमिया जारी व सारी इंशाअल्लाह ताला ता क़ियाम क़ियामत जारी व सारी रहेगा। ये बुजुर्गान दीन औलिया किराम के फ़ैज़ व बरकात हैं, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक ताला जल्ल शानहु ने जो नेमतें हमें अता फरमाई है उन नेमतों में ये महफिल भी एक नेमत है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आपकी तशरीफ आवरी बायसे बरकत बुजुर्गान दीन औलियाए किराम की जियारत करना क्या है इबादत, और जो हदीस पाक में आला जो इन्हें देखे को देखे तो अल्लाह याद आ जाए, तो ये वो शख्सियात है जिनको देखकर अल्लाह तबारक ताला की याद आती है। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन फ़ैज़ो बरकात से मालामाल फरमाए। वास्ता हबीब पाक अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए आज की इस मुबारक और मुकद्दस महफिल के जरिए से हमारे परवरदिगार छोटे बड़े गुनाहों को अफू दरगुज़र फरमा दे। इस महफिल के तमाम फ़ैज़ो बरकात से हम सबको मालामाल फरमा। बेक़ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।